अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉगिंग चैनल बहलू फैमिली ब्लॉग्स। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं बनाने लगी थी कीमा प्याज, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए, तो मैं बस ये प्याज काट ही रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जी यहाँ पर ये मरियम प्याज कटिंग कर रही है। ये वाली प्याज मैंने डालनी है कीमे के साथ, और ये वाली जो प्याज मैंने इस तरीके से ये की हुई है कटिंग, तो ये मैंने डालनी है जब मैंने कीमा दम पर रखना है तब। कीमा रख दिया वह मरियम ने चूल्हे पे पानी डाल के। अब इसमें ये प्याज डालेगी, फिर बकाया सारे मसाले। प्याज मैंने इसमें डाल दी थी, और इसमें ये डालने लगी हूँ मैं 2 चम्मच नमक के। इसमें मैं डालने लगी हूँ 3.5 चम्मच मिर्चों के। आप लोग अपने घर के रेस के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसा आप खाना ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं या नॉर्मल आप मिर्चें वगैरह खाते हैं, वो आप अपने हिसाब से डाल लें। इसमें 1 चम्मच हल्दी का, यह हमारी घर की पिसी हुई हल्दी है, तो इसलिए इसका कलर काफ़ी तेज़ आ जाता है। ये इसमें डालने लगी हूँ मैं 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ है, ये और काली मिर्चें हैं और दालचीनी है, 1/2 चम्मच जीरे का, 1 पिंच कलौंजी का, क्योंकि कलौंजी एक तो वैसे ही इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलौंजी में हर चीज़ की शिफा है, हर मर्ज़ की शिफा है सिवाय मौत के। तो वैसे भी ये एक तो खुशबू अच्छी हो जाती है अंडी की, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और बरकत भी होती है। तो दुरूशी पढ़ के तो इसको डाल देंगे। 1/2 चम्मच ही अजवाइन का, लेकिन ये हल्का चम्मच है, और ये इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जाएगा इसमें 1 टमाटर। और अब इसको रख देंगे हम ढक के, ताकि ये पक जाए, तो फिर उसके बाद इसको भूनेंगे ऑयल डाल के। तो कीमा मैंने रख दिया हुआ है गलने के लिए, और अदरक और ये हरी मिर्चें मैंने निकाली हैं ताकि इनकी कटिंग करके अलहदा से, तो फिर जब इसको दम पर रखेंगे तो ये गार्निशिंग के तौर पर भी यूज़ होगा, और एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये हो गया भुनने वाला, ये देखें इसका कलर। तो आप इसमें अंदर हम डाल देंगे ऑयल, और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें अब ये भुनने वाला हो गया ना, ये 3 चम्मच ये वाले 3 चम्मच मैंने डाल दिया ऑयल के, और इसको अच्छी तरह से भून देंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक ऑयल इसका पानी बिल्कुल खुशक ना हो जाए और ऑयल अलग ना हो जाए। अब देखें इसमें ऑयल छोड़ दिया हुआ है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज मिर्चें और अदरक, और फिर इसे दम पर रख देंगे। ये जो अलग से रखी थी प्याज, तो वो प्याज इसके अंदर में डालने लगी हूँ। ये 1/2 kg लिया था हमने कीमा, और 1/2 kg कीमे के अंदर सिर्फ 2 गिलास मैंने डाले थे पानी के, ताकि ये उसमें बॉयल होए और उसी के अंदर इसका टेस्ट निकले और उसमें ये पक जाए। अब ये जो हरी मिर्चें और अदरक था, ये भी इसके ऊपर ही मैं डालूँगी, लेकिन इसको थोड़ा सा चम्मच हिला के, ताकि ये प्याज थोड़ी नरम हो जाए। इसमें वही है नरम, तो अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं ये हरी मिर्चें और अदरक। आप चाहें तो इसको
तो खाना मैंने बना लिया था, तो उसके बाद बहलूल की थोड़ी सी तबीयत अपसेट हो गई थी, तो इस वजह से उसको फिर मैं और बाबा लेके तो डॉक्टर के पास चले गए थे। तो डॉक्टर ने यही कहा कि मतलब आप बच्चे हैं तो मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इस वजह से बच्चे तो बीमार अक्सर हो ही जाते हैं। बच्चे क्या कि आजकल तो बड़े भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और खाने पीने में भी एहतियात करें, जैसा क्योंकि जैसा मौसम जा रहा है ना, तो बहुत मुश्किल वाली बात है कि मतलब कोई भी बच्चा हुआ हो जिसको सुन लें तो वही फीवर, उनको स्टमक प्रॉब्लम्स और स्किन एलर्जीज हो रही हैं, तो एहतियात करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने अपनों का भी ख्याल रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनों में रहें। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का मैं करती हूँ एंड। तो आपने हमारा व्लॉग एंड तक लाजमी देखना है, आपने हमारी वीडियो स्किप नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ और एक और अच्छी सी सुबह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पीस आउट।